गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं और आज है मंडे, तो आप लोगों के आशीर्वाद से प्यार से आज खुल गया है सब कुछ। तो आज चलेंगे स्कूल, तो हम बाद में जाएंगे क्योंकि स्कूल के काम अभी पेंडिंग है हमारे पास। देखिए हमारे पास दो काम करके और आएंगे, जिसमें हमारे को एक एडिफायर के स्पीकर्स हैं, उसके अंदर हमारे को सामान लगाना था बहुत बढ़िया, और हमने लगाया कार्ड रीडर और एक लगाया सोनी के सिस्टम में कार्ड रीडर, जो हमको अपग्रेड करना था वो हमने कर दिया। तो अभी चलेंगे, पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करके फिर चलते हैं अपनी दुकान पे। आज खोलेंगे ऑफिस को और बढ़िया से आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और आपको भी वो सिस्टम दिखाएंगे जो हमने अपग्रेड किए हैं। तो शॉप पे चलते हैं अभी, पहले हम पहले ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि मौसम आज खुलता हुआ नज़र आ रहा है कुछ कुछ। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ जुड़े रहें और मिलते हैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। लो जी पहुंच गए हम दुकान पे, अब खोलेंगे हम अपनी दुकान। तो लो जी हमने सेटअप बना लिए हैं, दुकान पे हम काम कर चुके हैं। देखो हमने यहाँ का भी सेटअप पूरा तैयार कर दिया, मेरे लैपटॉप दोनों सेटअप हो चुके हैं, बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम चलेंगे नीचे अपने सर्विस सेंटर में काम करने में, क्योंकि वो मैंने अपग्रेड कर दिए हैं पूरे पूरे। आज आपको हम ये दिखाने वाले हैं, मेरे को किसी ने बोला सुबह कि यार अपग्रेडेशन का फ़ायदा क्या होता है, तो हम उसको ये बताने वाले हैं कि अपग्रेडेशन नहीं है कि आप पुराने पुराने सिस्टम को भी अपग्रेड करके अपने लाइक तैयार कर सकते हो, ताकि आप कहीं भी उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर पाओ। जो चीज़ें वेस्ट हैं अगर, तो उनको भी हम काम पर लाए ना, तो मैं आपको दिखा देंगे हमने कैसे उनको तैयार किया। ये देखिए, ये है एडिफायर के 5.1 होम थिएटर सिस्टम, इनके अंदर जो था हमने ये सिस्टम अब नया लगा दिया। इस सिस्टम से ये फ़ायदा है कि इसके अंदर ब्लूटूथ मेमोरी कार्ड रीडर एंड साथ में पेन ड्राइव, ये ऑप्शन सारी इसमें आ गई हैं। अब हम इसको करेंगे ऑन और ये यहाँ से हमने ऑन और ये देखिए, जो ये चीज़ पहले इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता था, अब वो नहीं चाहिए। ये एफ एम आया यहाँ पे, आपको सीधा उठाएं और आपने पेन ड्राइव लगा दी। तो जब हमने इसको ऑन किया, इसमें लगा ये पेन ड्राइव, अभी बाय यूएसबी हम इसको प्ले करेंगे। देखो इसकी वॉइस ऑफ क्वालिटी बहुत बढ़िया थी, सारे सेक्शन चालू हैं इसको। FM mode, AUX mode, AUX, ये recording and this one Bluetooth mode, Bluetooth mode। अब Bluetooth पे जाके आप कोई भी pen drive, कोई भी चीज़ पे pair करें और चलाएं, तब ये पुरानी चीज़ में जान आ गई। कहाँ ये बिल्कुल डेड करके रखा हुआ था, अब इसको हमने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया। आप इसको रूम में लगाएं, लॉबी में लगाएं, और कुछ नहीं, सुबह भजन सुन सकते हैं, गुरबानी सुन सकते हैं, थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक सुन सकते हैं, तो हम इसलिए हमने इसको परफेक्शन में लगा दिया। ऐसे ही इसके बाद हमारा अगला सेटअप आया, ये सोनी का सेट, ये भी किसी मैम का आया था। ये देखो ये इसके स्पीकर्स हैं दोनों, और ये सेट है, अब इसको भी हमने कंप्लीट बना दिया परफेक्ट। ये ऑन किया, इसके अंदर हमने ये प्यार देखो, प्यार देखो, राम जी का प्यार देखो, प्ले बाय यूएसबी ड्राइव, यूएसबी लगाई। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज है इसकी, और सारे फीचर्स कंप्लीट काम कर दिए थे। ब्लू ऑफ, ब्लू ऑन, Thank you.
चीज को ये कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको एज अ होम थिएटर यूज कर सकते हैं, इसको एज अ अपने रूम में लगा सकते हैं, लॉबी में लगा सकते हैं, कहीं भी लगाओ आप। जो चीज़ पुरानी है उनको भी अपग्रेड कर देते हैं हम लोग, यही अपग्रेडेशन का हमारा काम है। तो हमारे काम से हो सकता है आपको भी कुछ फ़ायदा मिले, और यदि आपको कुछ ऐसा लगे कि आपके घर में कोई ऐसा सिस्टम पड़ा है जिसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आपके लिए तैयार रहेंगे, आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। तो अब हमारा हो चला है काम यहाँ का फिनिश, इसके बाद हम चलेंगे अभी लंच पे, लंच करेंगे, फिर आगे रूटीन में जैसे रहेंगे आपके साथ जुड़े रहेंगे। बस थैंक यू, मिलते हैं। तो गाइज कैसे हैं आप लोग, लंच टाइम हमारा खत्म हो गया, शाम की चाय हमने पी ली है, और अब आपसे करेंगे हम बातचीत थोड़ी सी, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरा जैसा डीजे का काम था, अब इन दिनों वो काम ज़्यादा रहा नहीं है, और इवेंट्स भी बड़े बड़े बहुत सिमट के रह गए, छोटे में हो गए हम, क्योंकि जहाँ 300 लोगों की गैदरिंग थी वहाँ पे 20 बंदे कोई क्या करेगा, काम कैसे करेगा, पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। वो अलग बात है कि रैलियों में इन्होंने फिर भी 300 बंदों की परमिशन दे रखी है, लेकिन शादियों में परमिशन नहीं है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि हम करें तो क्या करें, ये तो शुक्र है हमारा सर्विस का काम है सारा, और सर्विस में हम लोग अच्छे हैं। तो हमारे पास अभी आपको मैंने दिखाया था इससे पहले नीचे कि हमारे पास कैसे कैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जो पुराने होते हैं हम उनको भी ठीक करते हैं, कैसियो हों, गिटार्स हों, वो सब भी ठीक करते हैं, प्लस म्यूज़िकल जितने सिस्टम हैं, म्यूज़िक के जितने सिस्टम हों, सोनी के हों, फिलिप्स के हों, ये सब, इन सब में हम अपग्रेडेशन करते हैं ताकि कोई भी सिस्टम आपका वेस्ट ना जाए। और सबसे बड़ी बात और फ़ायदा ये है उनका कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ आपके दिल जुड़े होते हैं, कुछ यादें जुड़ी हुई होती हैं। वो कहते हैं नहीं यार ये चीज़ें तो पापा के टाइम की हैं, या मम्मा के टाइम की हैं, या दादू के टाइम की हैं, तो उन चीज़ों को भी हम अपग्रेड कर देते हैं, उनमें हम LP रिकॉर्ड्स तक भी ठीक करते हैं, रिकॉर्ड प्लेयर भी। मैंने लास्ट एक वीडियो में डाला हुआ है जिसमें हमने LP रिकॉर्ड भी ठीक किए थे, तो अब वो हमने काम कर दिए हैं। अब कुछ एक कैमराज आए हुए हैं हमारे पास, अब ये कैमराज हैं जो ठीक करने वाले को, एक ये है, एक ही कैनन वाला आया हुआ है, और दो और भी आए थे। आपको देखो, मैं देखो कितना बढ़िया हमारे पास एक कैमरा आया ठीक होने के लिए। ये देखिए एक ही कैमरा आया सोनी का, इसको भी हम ठीक करेंगे, क्योंकि ये भी बड़े टाइम से इनको पड़ा है। वो कह रहे हैं मम्मा के टाइम का कैमरा है, तो प्लीज़ हमारे को इसको भी ऑन करके दो। तो इसको हमने ऑन करने के लिए किया तैयारी, तो इसके अंदर से निकली बैटरी है बड़ी खास, अभी बैटरी का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, फिर इसमें लगाएंगे और इसको ऑन कर देंगे, तो करेंगे सब अरेंजमेंट तो सब कर ही लेंगे। खैर ऐसे ही हम अब मिलते रहेंगे, इस ब्लॉग का हम करते हैं यहीं पे एंड, अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी अभी कहीं से कंप्लेंट आई जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा साउंड सेटअप लगाया था, और वो जैनियों का मंदिर था काफ़ी बड़ा, तो हम वहाँ जाएंगे, उसके वहाँ पे जो साउंड सेटअप हमने लगाया उसको दोबारा मेंटेन करने का एक हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो हमने कहा ठीक है जी हम परसों आपके पास पहुँचेंगे। तो जब हम वहाँ जाएंगे आपको फिर वहाँ का भी रूट कराएंगे और दिखाएंगे वहाँ कैसे कैसे हमने सेटअप बना रखा है, अंदर के सिस्टम कितने बढ़िया लगा रखे हैं, मिक्सर कितने अच्छे लगा रखे हैं, इन सबसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। और अगर आप कुछ और अच्छा चाहते हैं और आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती रहे, मेरी बातचीत आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलना, मेरे ब्लॉग को थोड़ा सा प्रमोट करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप जुड़ेंगे तो हम भी जुड़ेंगे। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।